नमस्कार, मैं डीएस गौतम और आप देख रहे हैं एचएनपी न्यूज। अभी सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने निर्मला सीतारमण को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया है, उनके घर का घेराव भी किया है। मामला क्या है, हम विस्तार से बात करेंगे। आपको बता दें कि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, उन पर बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा है, उन पर एफआईआर दर्ज तक हो गई है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से और देश भर के लोगों की तरफ से आवाज उठाई जा रही है कि निर्मला सीतारमण की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो रही है। मामला ये है कि जिस तरह से जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसकी उगाही का मामला सामने आया है, जिसमें 8000 करोड़ का मामला इलेक्टोरल बॉन्ड की उगाही का सामने आया है। बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस पर एफआईआर दर्ज की आदेश दिए, उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई और निर्मला सीतारमण पर और जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और ईडी के डायरेक्टर, और आपको बता दें जो कर्नाटक के जो वहां के भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर आवाज उठा रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज कांग्रेस पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है, उन्होंने कहा है कि जो निर्मला ताई हैं, निर्मला जो वित्त मंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी, कब तक होगी वसूली ताई की। लेकिन हमारे देश के जो कैबिनेट मंत्री हैं उन पर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। एक तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ समय पहले जब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो मामला सामने आया था उसमें भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा चंदा मिला था। लेकिन अब तो सामने बहुत बड़ी खबरें भी आ रही हैं, जो आपने देखा है जिस तरह से जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं उन पर एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद से पूरे देश में मामला गर्माया हुआ है। कांग्रेस पार्टी निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री उनके घर के बाहर प्रदर्शन कर रही है। आप इन वीडियो में देख रहे हैं किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने रुपयों को वो उड़ाया है और किस तरह से बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं लगातार जिस तरह से मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरह से आरोप लग रहे हैं कि पूरी कैबिनेट पर ही इस तरह से अगर जांच बैठाई गई, अगर जेपीसी की से जांच हुई या किसी तरह से निष्पक्ष जांच होती है तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का जो मामला है देश का सबसे बड़ा घोटाला सामने आएगा, उजागर होगा। अगर सही तरीके से जांच होती है तो माना जाता है कि सबसे बड़े बड़े नेता इसमें फंस सकते हैं। जिस तरह से जो कोर्ट ने कुछ साक्ष्य के आधार पर जो एफआईआर के आदेश दिए थे उसके बाद से अब मामला बहुत गंभीर होता चला जा रहा है। एक तरह से देख रहे हैं कि लोग अब चर्चा करने लगे हैं कि हमारे देश में जो सबसे बड़ी पार्टी है इस समय जो देख रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के सबसे बड़े मंत्री जिन्हें कहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। लोग आवाज उठा रहे हैं कि निर्मला सीतारमण को मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और उसके बाद से ही जो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर भी बड़े आरोप लगे हैं और उन पर भी एफआईआर दर्ज की है। लेकिन आपको बता दें ईडी सीबीआई जिस तरह से इनकम टैक्स जो कहीं भी जाके रेड कर देती थी, ये मामला बहुत गंभीर आया है। जिस पर रेड की उन पर उगाही का मामला है, ईडी के डायरेक्टर और वित्त मंत्रालय से सीधे कनेक्शन की बात सामने आई है। 8000 करोड़ से ज़्यादा का मामला सामने आया है, उसके बाद से पूरे देश में हड़कंप सा मच गया है। आप समझ सकते हैं ये देश के लोकतंत्र के लिए सबसे गंभीर मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। लोग बात कर रहे हैं कि अब हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी क्या चंदे की उगाही कर रही है। जिस तरह से आपने देखा कि कितना बड़ा मोटा पैसा चंदे के रूप में भारतीय जनता पार्टी को दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को भी चंदा नहीं मिला। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को भी भारी मोटा पैसा चंदे के रूप में दिया गया, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दिया गया। लेकिन उगाही का मामला, अगर आप हमको पैसा नहीं देंगे तो हम
आपको सीबीआई भेज देंगे। अगर आप हमको पैसा नहीं देंगे तो हम आपके ऊपर ईडी छोड़ देंगे। अगर आप हमको पैसा नहीं देंगे तो हम आपके ऊपर इनकम टैक्स की रेड करा देंगे। अब तो ये देश में वसूली भाई का रूप चल रहा है। वसूली भाई का जो नाम आता था, आपने एक मूवी देखी थी गोलमाल, गोलमाल में जिस तरह से वसूली भाई हैं, उसी तरह से अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं कि वसूली ताई, अब ये वसूली ताई लोगों से पैसा उगाही कर रही हैं, उन पर गंभीर आरोप है, एफआईआर दर्ज है। एक तरह से यहाँ जो लोग गुंडे में माफिया लोग होते थे वो हफ्ता वसूल करते थे, आज पार्टियां पैसा वसूल कर रही हैं, उगाही कर रही हैं, चंदे की उगाही कर रही हैं। लोग एक तरह से तो रोजगार उनका चौपट हो रहा है, बिजनेस चौपट हो रहा है, लेकिन पार्टियों को चंदा मिलना चाहिए। अगर आप चंदा नहीं देंगे तो हम ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड करा देंगे, आपके ऊपर छोड़ देंगे। ये जो तोते हैं केंद्र सरकार के, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, इनको छोड़ दिया जाता है, जिससे कि आम आदमी या फिर जो बिजनेसमैन जिनके सभी चीज़ें सही हैं और लेकिन उन पर दबाव बनाया जाता है, या फिर चंदा लो धंधा दो, चंदा लो धंधा दो, ये बहुत बड़ा गेम है जिसको उजागर भी किया है प्रशांत भूषण जैसी वकील या फिर अंजलि भारद्वाज या तमाम वैसे एडवोकेट थे जिन्होंने कैंपेन चलाया था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इसी तरह से जो पीएम केयर फंड था उसका भी मामला सामने आ सकता है। लेकिन जब से निर्मला सीतारमण और भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और ईडी के जो डायरेक्टर हैं और स्टेट प्रेसिडेंट जो भारतीय जनता पार्टी के, उन पर जब से एफआईआर दर्ज हुई है, मामला गंभीर होता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आज निर्मला सीतारमण के घर के बाहर बड़ा प्रदर्शन किया और लोगों को देश की जनता से अपील की है कि देश में लोकतंत्र को बर्बाद किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। हमारे देश के वित्त मंत्री जैसे बड़े नेता मंत्री आज इस करप्शन में शामिल होते नजर आ रहे हैं। इस पर प्रधानमंत्री क्या एक्शन लेते हैं ये देखने को होगा। क्या वास्तव में इस पूरे मसले पर निष्पक्षता से कानूनी जांच हो पाएगी, एफआईआर दर्ज होगी, है क्या जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि निर्मला ताई की गिरफ्तारी कब होगी, उनको जेल में कब डाला जाएगा, इस तरह से एफआईआर दर्ज हुई है, गैर कानूनी तरीके से चंदे की उगाही की गई है, ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। लोगों को समझना चाहिए कि आज हमारे देश में सब कुछ चंगा सी नहीं चल रहा है। आपका क्या मानना है इस पूरे मसले पर, जो आज ये मुद्दा बना हुआ है कि देश के सबसे बड़ी पार्टी जो बताने वाली भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता या और ईडी, सीबीआई और जो इनकम टैक्स जैसे लोगों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए एचएनपी न्यूज के साथ, मैं डीएस गौतम, धन्यवाद।